दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रे कोड के बारे में। व्हाट इज ग्रे कोड? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ग्रे कोड जो होता है वो एक यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रे कोड जो होता है वो यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। दूसरी, ग्रे कोड जो होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक। तीसरी चीज ये होती है, ग्रे कोड बीसीडी कोड भी नहीं होता है। और फोर्थ चीज ये, ग्रे कोड जो होता है वो एक साइक्लिक कोड होता है, ठीक। साइक्लिक कोड का मतलब, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल, मैं एक बाइनरी में एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है 10101, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्या है, जो इस ग्रे कोड में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो वन बिट डिफर होता है। जो हमारा बाइनरी कोड है उससे वन बिट डिफर होता है, यानी डिफरेंट होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं इस बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस फर्स्ट डिजिट को क्या करना है, एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, इसे एज इट इज़ लिख लेना है। फिर क्या करना है, इस नंबर को इस सेकंड डिजिट के साथ ऐड कर देना है, यानी इस वन को इसके साथ ऐड करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है, जो यहाँ पर लिख रहा है उसको एज इट इज़ लिख देना है। फिर इसी नंबर को नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड कर देना है। वन को जीरो के साथ ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, वन। उस वन को हमें यहाँ लिख देना है, यानी क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, इस जीरो को, ये जो इसका यहाँ पे हमने डाउन में लिखा है वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है इस जीरो को इसके साथ ऐड करना है, नेक्स्ट वाले नंबर के साथ करना है। जीरो को वन के साथ ऐड करेंगे फिर कितना आएगा, वन, ठीक। फिर इस वन को इस नेक्स्ट वाले के नंबर के साथ ऐड करना है तो कितना आएगा, वन प्लस जीरो, वन, ठीक। फिर इस जीरो को नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करना है, वो कितना आएगा, जीरो प्लस वन कितना होता है, वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ये हमारा बाइनरी कोड क्या था, 10101 से हमारा चेंज हो गया ग्रे में, वो कितना आया, 11111, ये हो गया ग्रे कोड। ये क्या था, बाइनरी कोड, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, 1001, ठीक। इसे बाइनरी में चेंज करना है तो ये कैसे होगा, सबसे पहले मुझे ये फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख देना है, उसके बाद फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड करना है, वन को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो वन आएगा, फिर इस जीरो को इस जीरो के साथ ऐड कर देना है, जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। फिर इस जीरो को इसके साथ ऐड कर देना है, जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। फिर इस जीरो को इस वन के साथ ऐड करना है, जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन। तो हमारा बाइनरी की नंबर क्या था, 10001 का ग्रे में कन्वर्जन क्या आया, 11001, ठीक है। ये हो गया ग्रे, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।